नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। यूपी बोर्ड की मंगलवार से शुरू हो रही है परीक्षा। वहीं छात्र छात्राओं को हर पन्ने पर उत्तर पुस्तिका का क्रम और अपना रोल नंबर लिखना होगा। वहीं बोर्ड ने 2019 की परीक्षा से यह व्यवस्था लागू की थी। हाई स्कूल और इंटर दोनों परीक्षाओं की ए और बी प्रकार की चारों कापियों में अलग अलग की रंग लाइन छपाई गई है ताकि हेर फेर ना हो सके। सचिव नैनी श्रीवास्तव ने कि कुछ जिलों में सिलाई की गई कॉपी भेजी गई। उधर प्रमुख के सचिव आराधना शुक्ला ने भी परीक्षार्थियों के लिए सुझाव का निर्देश जारी किया है। बोर्ड परीक्षा में कॉपी पर मत लिखना ओम या 786 परीक्षार्थियों के लिए चेतावनी। यदि उन्होंने कॉपी पर लिखावट शुरू करने से पहले ओम या 786 या कोई धार्मिक चिन्ह अंकित करने का आदत है तो वह इस आदत से फिलहाल बदल लें। परीक्षार्थियों उत्तर पुस्तिका में कभी भी अपना नाम न लिखें और न ही कॉपी के ऊपर भीतर ओम या 786 चिन्हित करें या कोई ऐसे भी बात न लिखे जिससे उनका नाम अथवा धर्म प्रकट हो सके। यदि किसी परीक्षार्थियों का उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार के कोई चिन्हित पाया गया तो उन्हें बाहर किया जा सकता है। वहीं प्रवेश पत्र और रजिस्ट्रेशन कार्ड तथा संभव आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, ट्रस्ट पेंट, ज्योमेट्रिक बॉक्स, पेंसिल, रबर सहित साधारण घड़ी व पानी के बोतल आवश्यकता अनुसार संस्थागत परीक्षार्थी अपने स्कूल की ड्रेस में भी जा सकते हैं। और परीक्षा केंद्र पर ना ले जाने वाले चीज आपको बता दें कि अध्ययन सामग्री जैसे कि किताब, गाइड, कॉपी, चिन्ह, चीट आदि, मोबाइल, हेडफोन, कैलकुलेटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैग तथा किसी प्रकार की घातक और सशस्त्र अस्त्र ना लेके जाए। वहीं बोर्ड परीक्षा के एक नजर आपको बता दें कि 1,00,000 कुल परीक्षार्थियों की और 112 केंद्र पर होंगी। बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगी परीक्षा। वहीं परीक्षार्थियों के लिए प्रमुख सचिव के सुझाव, परीक्षार्थियों अपने पूरे नींद तथा संतुलित आहार के ध्यान रखने के लिए तनाव मुक्त तथा सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा केंद्र पर जाएं और परीक्षा केंद्रों पर 15 मिनट का समय उत्तर पुस्तिका का पढ़ने तथा त्रुटियों को सुधारने तथा कॉपी को सही ढंग से बांधने के लिए रखा जाएगा। वहीं परीक्षार्थी कक्षा में सेटिंग प्लान के अनुसार ही बैठेंगे। कैमरे व वॉइस रिकॉर्डिंग की ओर ध्यान ना दें। सहज होकर परीक्षा दें और परीक्षा के समय आपस में बातचीत ना करें। यह था उत्तर प्रदेश बोर्ड की कुछ सुझाव है। और इसी तरह की खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।